किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या ड्राइव क्वांटिटी को अगर आपको रिप्रेजेंट करवाना है फंडामेंटल क्वांटिटी मास, टाइम और लेंथ में, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को आप किस तरीके से लिख सकते हो फंडामेंटल क्वांटिटी के तौर पे, वो चीज़ हम पढ़ते हैं डायमेंशंस के अंदर। और आज की वीडियो का टॉपिक भी हमारा डायमेंशन है, डायमेंशंस क्या होते हैं और किस तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को निकाल सकते हैं, ये आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायमेंशंस की डेफिनेशन से। डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट इट। यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको रिप्रेजेंट करवाना है फंडामेंटल क्वांटिटी में, तो आपको फंडामेंटल यूनिट्स की पावर को रेज करना पड़ेगा। फंडामेंटल यूनिट्स की पावर को आप कितना बढ़ाएं कि वो बन जाए डायमेंशन उस फिजिकल क्वांटिटी की, इस तरीके से आप उस फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। और फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास कौन कौन सी है, हम यहाँ पे तीन लेंगे, दैट इज मास, लेंथ एंड टाइम। मास की डायमेंशन होती है हमारे पास कैपिटल एम, लेंथ की डायमेंशन होती है हमारे पास एल और टाइम की डायमेंशन होती है टी। इनके जरिए हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनकी पावर्स में, यानी एम की पावर कुछ होगी एम स्क्वायर में, एल की पावर कुछ हो सकती है, टी की पावर कुछ हो सकती है, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो। तो इस तरीके से आप तमाम की तमाम फिजिकल क्वांटिटी को एक जनरलाइज वे में फंडामेंटल क्वांटिटीज के तौर पर, उनकी पावर्स के तौर पर लिख सकते हैं। यूनिट क्या क्या होते हैं इनके, एम का यूनिट यानी मास का यूनिट हमारे पास होता है केजी, ऐसा यूनिट है ये सारे, लेंथ का यूनिट हमारे पास होता है मीटर और टाइम का यूनिट हमारे पास होता है सेकेंड। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ड्राइव क्वांटिटी हमारे पास वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। डी की जगह मैंने एल रखा क्योंकि डिस्टेंस आ रहा है लेंथ में, और टी की जगह मैंने रखा कैपिटल टी। वेलोसिटी की जो डायमेंशन बनी वो बनी एल टी माइनस वन। तो आप देख लें एक ड्राइव क्वांटिटी को मैंने किस तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर्स में लिख दिया, यानी इसकी पावर क्या है माइनस वन, इसकी पावर क्या है वन, और यहाँ पे एम की पावर क्या होगी, एम की पावर है ही नहीं, जीरो है। वेलोसिटी का जो यूनिट होता है हमारे पास वो होता है मीटर पर सेकेंड। डायमेंशंस निकालते वक्त आपको दो चीज़ें याद रखनी है, या तो आपको फॉर्मूला याद रखना है उस ड्राइव या फिजिकल क्वांटिटी का, या फिर आपको उसका यूनिट याद रखना है। जब भी मैंने डायमेंशंस और यूनिट दोनों चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। पहला सवाल है हमारे पास द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमें निकालनी है, हमें क्या पता होना चाहिए फॉर्मूला या फिर यूनिट। सबसे पहले एक्सेलरेशन होता है हमारे पास वेलोसिटी ओवर टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, मैं यहाँ पे रख दूंगा एल ओवर टी और टी की जगह आ गया कैपिटल टी। टी को मैं नीचे शिफ्ट करूंगा डिनोमिनेटर में तो मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी एल ओवर टी स्क्वायर, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ गई एल टी माइनस टू। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर थ्री। एक और डायमेंशन हम देखते हैं, द डायमेंशन ऑफ वर्क इज, वर्क का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को मैंने ब्रेकअप करा मास टाइम्स एक्सेलरेशन में, एक्सेलरेशन को मैंने ब्रेकअप करा वेलोसिटी ओवर टाइम में, एंड देन वेलोसिटी को फिर मैंने ब्रेकअप करा डिस्टेंस ओवर टाइम में, टी को मैंने नीचे शिफ्ट किया तो मेरे पास वर्क डन का फॉर्मूला बन गया एम डी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। अच्छा रट्टा नहीं मारना इसके अंदर, रट्टा मारोगे तो आप भूल जाओगे, रट्टा क्योंकि मारा इसलिए जाता है ताकि बंदा भूल जाए, सही है। तो फॉर्मूले से आपको लेके चलना है और आप आराम से डायमेंशन निकाल लोगे वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, सही है, यूनिट भी याद रख सकते हो या फॉर्मूला याद रख सकते हो। तो वर्क डन हमारे पास आ गया एम डी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर, इसका क्या बनेगा डायमेंशन कैपिटल एम एल स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, वो आप करिएगा, फिर मैं देखूंगा आपने कितना सीखा, कमेंट सेक्शन में आप उसका आंसर मुझे दे सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास होगा यहाँ पर एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन थ्री, द डायमेंशन ऑफ वर्क इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। एक और क्वेश्चन देखते हैं, द डायमेंशन ऑफ टॉर्क इज, टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है फोर्स इंटू मोमेंट आर, वर्क डन में होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यूनिट हालांकि सेम है, टॉर्क का यूनिट भी वही है जो वर्क डन का यूनिट है, तो बिल्कुल वही सारे स्टेप्स होंगे। फोर्स की जगह मैंने रखा मास टाइम्स एक्सेलरेशन इंटू मोमेंट आर, मास की मास ऐसी रहा, एक्सेलरेशन हो गया वेलोसिटी ओवर टाइम, और ये आ गया मोमेंट आर। वेलोसिटी को फिर ब्रेकअप करा और फिर टी को मैंने नीचे शिफ्ट करा, यहाँ से मेरे पास टॉर्क का भी वही फॉर्मूला आ गया जो वर्क डन का बना था, तो डायमेंशन टॉर्क और वर्क की क्या हुई सेम हो गई, कैपिटल एम एल स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर।
ऑप्शन हमारे पास है 3 ml² t-2। डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, चैप्टर नंबर 6 न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट आता है एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू आर स्क्वायर। ये है फॉर्मूला किसका, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। यहां से हम सेपरेट कर लेंगे इस कैपिटल जी को, एफ आर स्क्वायर ओवर एम वन एम टू। अच्छा, आर स्क्वायर एफ ओवर एम वन एम टू, एफ को ब्रेकअप करना पड़ेगा मास टाइम्स एक्सेलरेशन में, सही है। फिर एक्सेलरेशन को ब्रेकअप करा किसमें, वेलोसिटी ओवर टाइम में। वेलोसिटी को फिर ब्रेकअप करा डिस्टेंस ओवर टाइम में। अगेन मैं फिर कह रहा हूँ, रट्टा नहीं मारेगा। अगर आप जी का, जैसे आपने याद कर लिया कि जी की डायमेंशन ये होती है, तो आप फौरन कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं किसमें स्क्वायर लगाऊँ, किसमें माइनस वन लगाऊँ। बेसिक फॉर्मूले से चलना है। अब यहाँ पर हमने इसका एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, मास से मास बस एक मास कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फॉर्मूला बना डी आर स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर इंटू एम, सही है। इसका एक्सप्रेशन बन जाएगा इस तरह, डिस्टेंस है क्योंकि इसलिए एल आ गया, आर रेडियस है, दो ऑब्जेक्ट के दरमियान का डिस्टेंस था ना न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, तो ये हो गया एल स्क्वायर, टी टी स्क्वायर हो गया, मास हो गया आपके पास कैपिटल एम। इसको जब ऊपर लेके गए बकायदा एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, ये हमने बना लिया किसकी डायमेंशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की। तो हमारे पास ऑप्शन आ गया है, ऑप्शन वन इज द करेक्ट वन। उसके बाद हमारे पास डायमेंशन आई है एंगुलर वेलोसिटी की, चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर फिजिक्स सर्कुलर मोशन। फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने लीनियर रिलेशन और एंगुलर रिलेशन के दरमियान वेलोसिटी के, वी होता है ओमेगा आर स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू यहाँ से मैंने सेपरेट कर ली, ओमेगा होता है वी ओवर आर स्क्वायर। वेलोसिटी की वैल्यू रखी डिस्टेंस ओवर टाइम, फिर यहाँ से टाइम को मैंने नीचे शिफ्ट किया और एक डी से एक आर कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि डिस्टेंस से डिस्टेंस हमेशा हम कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से ओमेगा का जो एक्सप्रेशन बनकर आया डायमेंशन का, वो बना एल टी वन ओवर एल टी, यानी एल माइनस वन टी माइनस वन। ऑप्शन हमारे पास है 2, एल माइनस वन टी माइनस वन। द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, चैप्टर नंबर 5 में आपने एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर। एंगुलर मोमेंटम होता है हमारे पास मास टाइम्स रेडियस टाइम वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम होता है मास टाइम्स वेलोसिटी, चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा होगा। वेलोसिटी की जगह मैंने फॉर्मूला रखा डिस्टेंस ओवर टाइम, और यहां से ये आर इंटू डी हो जाएगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कर दो या फिर डी स्क्वायर कर दो, क्योंकि हम तो डायमेंशन निकाल लें ना। एक्सप्रेशन बनकर आया डायमेंशन का कैपिटल एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, और यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मूला होगा इसका वो होगा ऑप्शन 2 एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ये थी डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम की। एक और डायमेंशन देखते हैं, दी डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एच, चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा होगा आपने, एनर्जी बराबर होती है प्लैंक कॉन्स्टेंट इंटू फ्रिक्वेंसी। यहाँ से मैं इसको सेपरेट कर लूंगा प्लैंक कॉन्स्टेंट को यानी कि एच को, एच होगा हमारे पास एनर्जी ओवर फ्रीक्वेंसी। एनर्जी क्योंकि वर्क के बराबर होता है, जो भी काम हम करते हैं वो अल्टीमेटली एनर्जी ही में कन्वर्ट हो जाता है, और एनर्जी का कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, लेकिन ई का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसलिए मैं एनर्जी को बराबर ले लूंगा वर्क डन के। फ्रीक्वेंसी, ये जो वी है यहाँ पे ग्रीक लेटर है, ये फ्रीक्वेंसी होती है, चैप्टर नंबर 8 में ये भी पढ़ा होगा आपने, फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल टाइम पीरियड के, सही, वन ओवर टी। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूले रख दिए दोनों, वर्क डन तो मैंने ब्रेकअप कर दिया फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट में, और टी को मैं ले गया ऊपर न्यूमरेटर में, फोर्स को मैं खोल लूंगा मास टाइम एक्सेलरेशन में, और फिर एक्सेलरेशन को ब्रेकअप करा वेलोसिटी ओवर टाइम। अच्छा, मैंने कैंसिल आउट नहीं करा, मैं बाद में इसको कैंसिल करूंगा, ये मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, और इसके जो डायमेंशन आई वो आई कैपिटल एम एल स्क्वायर ओवर टी या एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, किसकी, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की। ऑप्शन नंबर होगा हमारे पास ये 4 एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। अब ये सवाल आ गए जो आपको करने और इनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देने, हाउ यू कैन कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फॉर्मूला मैंने लिख दिया ताकि आप लोग आसानी से कर सकें, पी इक्वल्स टू एम वी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पावर वर्क डन ओवर टाइम। बहुत ही आसान है इसकी डायमेंशन और बड़ी आसानी स्टेप से हो जाएंगे ये, सही है। अब कुछ क्वांटिटीज हैं जिनके सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है, जैसे इम्पल्स और मोमेंटम।
इम्पल्स आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा, मोमेंटम भी चैप्टर 3 में आपने पढ़ा है, दोनों की डायमेंशन सेम होती है। इसके बाद वर्क टॉर्क, ये तो हमने अभी प्रूफ भी कर दिया। इम्पल्स और मोमेंटम को आप लोग प्रूफ करके देखिएगा कि क्या इनकी डायमेंशन सेम आती है या नहीं आती। वर्क और टॉर्क की तो सेम आती है, हमने चेक कर ली थी। मोमेंट ऑफ फोर्स, एनर्जी, इन चारों की डायमेंशन सेम है। इसके बाद एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, इन दो की डायमेंशन भी अभी हमने चेक कर लिया है कि इन दो की डायमेंशन भी सेम है, और रोटेशनल इम्पल्स की भी डायमेंशन, इन तीनों की डायमेंशन आपस में बराबर होगी। उसके बाद आ गया हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी और फ्रिक्वेंसी, और एक और आ गई वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये आपने नहीं पढ़ी होगी, लेकिन इन तीनों की डायमेंशन भी क्या होती है, सेम होती है। ये आपको याद रखने में आसानी होगी, इसलिए मैंने एक इसकी अलग स्लाइड बना दी। तो इस तरह आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको वीडियो टॉपिक पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक जल्द तक पहुँच सके। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें।